हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम कहाँ आए हैं, पीछे देख के पता चल गया होगा। तो अभी हम आए हैं कहाँ, नंदू दा परोठे वाला के पास। तो यहाँ पे ढाका ही परोठा बनाया जाता है। तो कैसे बनता है, कितना साल पुराना दुकान है, मैं आपको सब बोलूँगा। तो आइए। तो यही है सबसे पुराना दुकान, यहीं पे ढाकाई परोठा मिलता है। अब देखिए ढाकाई परोठा बेचते हुए अंकल। सबसे पहला बात, ये इसका रंग इस तरह का है, सरसों तेल के कारण। आपका ये दुकान कितना साल पुराना है? लगभग 30 साल तो हो गया। 30 साल। ये परोठा में क्या क्या देते हैं? दूध है, दही है, चीनी है, तेल है। दूध, दही, चीनी, तेल, नमक, पानी। और यहाँ पे देख रहे हैं मिठाई उठाई का व्यवस्था है। ये छेना का जलेबी है क्या? छेना का जलेबी है, रसगुल्ला है, चमचम है। शादी ब्याह में ऑर्डर लिया जाता है कि नहीं? लेते हैं। और आपका फोन नंबर? तो नहीं, फोन नंबर नहीं है। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना रहेगा यहाँ पे, तो अब मैं आपको एड्रेस बोल देता हूँ कहाँ पे। ये एक्सिस बैंक के सामने ही है, मतलब कालीबाड़ी चौक, भट्टा कालीबाड़ी चौक है। और उसका ऑपोजिट है आदर्श पुस्तक भंडार। और उसके ऑपोजिट फिर से बैंक, एक्सिस बैंक पूर्णिया ब्रांच के बगल में। वैसे तो आज संडे है, इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन अगर संडे नहीं होता भाई साहब, मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे खड़ा होने का जगह नहीं मिलता है। तो चलिए आपको मैं टेस्ट करके बताऊँगा आज का यहाँ का परोठा क्या है। और ये मेरा प्लेट लग चुका है, दो गो परोठा है और एक गो सब्जी है। सब्जी में आलू का झोल और आलू। यहाँ पे सब्जी चेंज होते रहता है। और एक ग्लास पानी। ये जो आप सब्जी देख रहे हो, ये पूरा एकदम शुद्ध शाकाहारी है। इवन कि ये जैन भी खा सकते हैं। यहाँ पे लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये पूरा निरामिष है। ये एक गो बंगाली का दुकान है, 30 साल पुराना। आप लोग समझ रहे हो कितना साल पुराना है। और ये यहाँ पे बैंक नहीं था, तब पर भी यहाँ पे आदमी लोग आके
परोठा खाते थे जिसका नाम इस परोठा का नाम है ढकाई परोठा। और यहाँ पे जो सब्जी है ये इतना पौष्टिक है, यहाँ पे इसके अंदर आपको हल्का हल्का दाल भी मिलेगा। ये जो परोठा है ढकाई परोठा, ये ओरिजिनली है कहाँ का मैं आपको बता देता हूँ, ये ढाका का है, बांग्लादेश। पहले तो बांग्लादेश इंडिया में था, इसलिए बहुत कोई अभी नहीं जान पाता होगा कि इसको इस परोठा को क्या कहते हैं। लेकिन परोठा तो खा लेते हैं लेकिन जानता ही नहीं है परोठा क्या है। मैं धीरे धीरे इसको तो देखिए 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 लेयर देखिए आप लोग, लेयर एकदम दूध दही चीनी उनी से बना हुआ है। मैं खा के बताता हूँ आप लोग को। वही टेस्ट पुराना एकदम, टेस्ट में कोई चेंज नहीं हुआ, टेस्ट वही है, टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं हुआ। आप लोग भी आइए, आप लोग भी खाइए, नहीं तो देख के मजा लीजिए डिजिटली। यहाँ का टाइमिंग बोल दीजिए जरा। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक मिलता है। और शाम में क्या मिलता है? सिंगारा, वेजिटेबल चॉप, कचौड़ी, समोसा, वेजिटेबल चॉप और कचौड़ी। और दही भी मिलता होगा ना? हाँ, दही, सादा दही मिलता है, सादा दही। यहाँ पे तो बैंक डेस में तो भीड़ होगा बहुत। भीड़ तो होता है, हम देखे हैं कि बहुत काफी भीड़ होता है कभी कभी, बैठने का तो ऐसे जगह नहीं मिलता है, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे खड़े होके खाइए। तो हम जैसे अभी खा रहे हैं, गरम इतना है ना, उसी में मज़ा लगता है। एक नंबर परोठा। आप देख रहे हो कि ये जगह बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा जगह है, इसी में ये अंकल जी ने इतने साल से यहाँ पे सेटअप करके रखे हैं। और आप यहाँ पे आइए और परोठा कम से कम टेस्ट कीजिए किस तरह का परोठा है। अगर टेस्ट कर लिए हैं तो हमको ज़रा सा बोलिए कमेंट करके कि यहाँ का परोठा आप लोग को कैसा लगता है खाने में। जैसे हमको अच्छा लगता है क्योंकि हम बचपन से खाते हैं। एक नंबर, फटाफटी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो भैया खा रहे हैं, तो मैं आप गुफ्तगू करूँगा। भैया, आप यहाँ का ढाका परोठा खा रहे हो तो कैसा लगा? बहुत अच्छा। आप डेली कस्टमर जी, तो यहाँ का सब्जी कैसा लगता है? बहुत मस्त है। और भैया, आप खा रहे हो, आपको कैसा लगता है? बढ़िया। और सब्जी? मस्त है। और परोठा? परोठा भी बढ़िया। तो आप लोग ने सुना कि सबके मुँह से यहाँ पर अच्छा तारीफ हो रहा है कि एक नंबर परोठा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ इसका दुकान का नाम क्या है, ये नंदू दा परोठे वाला। इसका एड्रेस मैं फिर से आपको बोलता हूँ, नियर भट्टा कालीवाड़ी चौक। भट्टा कालीवाड़ी चौक के कहाँ, वहाँ है भट्टा कालीवाड़ी चौक, इधर रहा आदर्श पुस्तक भंडार और अपने एक्सिस बैंक के जस्ट बगल में ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बगल में नंदू दा परोठे वाला। और आप लोग यहाँ पे आइए, टेस्ट कीजिए और टेस्ट करके मुझे कम से कम बोलिए कि किस तरह लगता है आपको परोठा। तो मेरा भी खाना हो गया, तो एक प्लेट में 2 पीस परोठा देता है, लेकिन 2 परोठा इनफ है, मेरा पेट पूरा फुल हो गया, यानी कि 1 मील मेरा कंप्लीट। इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, दिन का खाना भी नहीं खाऊंगा। तो आज का वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे में चैनल का सब्सक्राइब का बटन है और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दो, क्योंकि बहुत कोई आपने किसी ने ऑल नहीं किया है। तो टाटा, बाय बाय।